ये भी नया पौधा है, किस पौधे में बौर रखना है, किस में बौर नहीं रखना है, इतनी ज़्यादा फ्लावरिंग है देखिए। नमस्कार मित्रों, मैं राजीव कुमार अपनी बगिया में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आप देख रहे हैं राजीव किचन गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो मुझे कर ही लें, घंटी वाला बटन ज़रूर दबाएं, जिससे जब भी कभी आप लोगों के लिए नए नए वीडियो लेकर आप लोगों के बीच में उपस्थित होता रहूं, उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंच सके। आज का विषय है आम के पौधे को लेकर, कि आम के पौधे में ये जो बौर निकल रहे हैं, ये देखिए कितने सुंदर बौर निकल रहे हैं, इसमें कैसे पानी देना है, किस पौधे में बौर रखना है, किसमें बौर नहीं रखना है, इस साल किससे फ्लावरिंग लेनी है और किससे फ्लावरिंग नहीं लेनी है, किससे फल लेने हैं, किसके फल तोड़ देने हैं, पूरी जानकारी इस वीडियो में अगर बने रहेंगे तो आज मैं पूरी जानकारी दूंगा। और ये देखिए मेरा मियाँ जाकी का मैंगो का प्लांट, और ज़रा फ्लावरिंग देखिए कितनी अच्छी फ्लावरिंग इस पर हो रही है, और इस समय पर इस पर कौन सा ऐसा काम करना है और कौन सा ऐसा काम नहीं करना है कि जिसकी वजह से इसके फ्रूट बने, और ये भी जानकारी दूंगा कि फ्रूट फल में कैसे कन्वर्ट, फूल फल में कैसे कन्वर्ट होंगे, क्या क्या सावधानी रखनी है, कब पानी देना है और कैसे पानी नहीं देना है, कब पानी नहीं देना है। तो ये देखिए ये मेरा एक अरुणिका मैंगो का पौधा है और ये मेरा नई ग्राफ्टिंग का पौधा है, इस पर इस साल मैं फ्रूटिंग नहीं लूँगा, क्योंकि ये देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको, जब आपके पौधे की इस तरह से टहनी देखिए एकदम हरी हो, और यहाँ पर देखिए ये पुरानी ग्राफ्टिंग है, ये देखिए ये नई ग्राफ्टिंग है, और ये भी लगभग एक साल का लगभग पौधा है, ये बीज से उगा हुआ पौधा है, और ऊपर जो ग्राफ्टिंग यहाँ पर आप देख रहे हैं ये ग्राफ्टिंग है, ये जो हिस्सा है ये ग्राफ्टिंग का हिस्सा है, तो इस ग्राफ्टिंग के ऊपर ये जो लगा हुआ है ये अरुणिका मैंगो का जो फल देने वाला पौधा था उसकी ग्राफ्टिंग की गई है। तो नया पौधा होने के कारण ये देखिए इस बार इसमें कितनी ज़्यादा फ्लावरिंग हुई है, इतनी ज़्यादा फ्लावरिंग है देखिए। और इसको कब काटना, इस साल मैं इसको काटूंगा, इस साल इससे फल नहीं लूंगा, क्योंकि अगर मैं इससे इस साल फल ले लूंगा तो ये मेरा पौधा मर जाएगा, एक भी फल अगर मैंने इससे ले लिया तो ये मेरा पौधा चला गया, अब चला जाएगा। तो कैसे पौधे से फ्रूटिंग लेनी चाहिए, अब देखिए जैसे यहाँ पर मैं बताऊँ कि ये देखिए ये मियाँ जाकी का पौधा है और ये पुराना पौधा है, तो फूल तो इतना ज़्यादा आया है, मैं आपको इधर से भी दिखा देता हूँ, इधर से भी दिखा देता हूँ, फूल इसमें बहुत ज़्यादा आया है, पर ये देखिए ये पुरानी ग्राफ्टिंग का पौधा है और यहाँ पर इसका ये ग्राफ्ट लगा हुआ है, और ये पौधा काफ़ी मोटा है और काफ़ी पुराना है। अब ये देखिए इसकी तना कितना मोटा है, तो इससे मैं कोशिश करूँगा इस बार ज़्यादा फल अगर आएंगे तो वो फल मैं तोड़ दूंगा, मगर अभी नहीं, जब इसमें अमियाँ छोटी छोटी सी बन जाएंगी और वो अमियाँ लगभग मटर के दाने से बड़ी हो जाएंगी तो कुछ तो अपने ही आप गिर जाएंगी, पौधा अपनी क्षमता के हिसाब से फल को रोकता है। अगर ज़्यादा बन गई तब फिर मैं इसमें केवल दो फल लेने की इस साल कोशिश करूँगा, अगले साल मैं इससे ज़्यादा फल लेने की कोशिश करूँगा कि अगले साल इससे मैं ज़्यादा फल लूँ, और यही प्रक्रिया आप लोगों को भी करनी है। अब यहाँ पर दिखा दूँ मैं आपको, एक पौधे में नहीं फ्लावरिंग है, ये देखिए ये बनाना मैंगो, ये बनाना मैंगो का पौधा है, और देखिए बनाना मैंगो की जो टहनी होती है जो निकलती है वो रेड निकलती है, मतलब कुल मिला के विदेशी जितने भी आम के पौधे हैं उनमें ज़्यादातर ये जो डंडी निकलती है ये रेड ही निकलती है। और यहाँ पर जो आपको अभी अरुणिका का दिखाया था, ये देखिए इसकी बैगनी कलर की डंडी होती है, देखिए अंतर है, मैं यहाँ दिखाता हूँ, इसकी डंडी देखिए बैगनी है, क्योंकि ये हमारे इंडियन आम के पौधे हैं, ये हमारे भारत सरकार लखनऊ द्वारा बनाया गया पौधा है और ये बहुत मजबूत पौधा है। ये जो अरुणिका और अंबिका ये दो पौधे हैं, बहुत अच्छे पौधे हैं। और यहाँ पर देखिए ये बनाना मैंगो है, ये साल में एक बार फल देता है, मगर ये पौधा देखिए ये भी नया पौधा है, ये यहाँ पर इसकी ग्राफ्टिंग है, इसका भी फूल तोड़ दूंगा इस साल, इससे नहीं लूँगा, अब इस बनाना मैंगो से फूल नहीं लूँगा। तो अब यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, देखिए ये एक मेरा ऑल टाइम का पौधा है, ज़रा देखिए ज़रा इसकी फ्लावरिंग देखिए कितनी सुंदर फ्लावरिंग है इस पर, इतनी ज़्यादा देखिए, और एक ही टहनी में से, ये देखिए एक ही टहनी में से इतना ज़्यादा फूल आया है, और ये पौधा पुराना है, काफ़ी मोटा पौधा, ये देखिए मैं यहाँ आपको दिखा दूँ, इससे ज़रूर मैं इस साल कुछ ना कुछ फल लेने की कोशिश करूँगा,
कि इससे कुछ फल ले लिए जाए। और फ्रूट, अब दूसरी बात, यहाँ पर मैं आपको मैंने दिखाया और यहाँ पर ले चलता हूँ, यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पर मेरा एक, ये देखिए बनाना मैंगो का और पौधा है, मैं यहाँ दिखाता हूँ, ये देखिए इसमें देखिए कितनी ज़बरदस्त फ्लावरिंग हो रही है, ये देखिए कितनी ज़बरदस्त फ्लावरिंग हो रही है, और यहाँ से नए पत्ते भी निकल रहे हैं और फ्लावरिंग भी है, और यहाँ पर भी देखिए फ्लावरिंग है, तो इससे ज़रूर फ्रूट लूँगा। ये बनाना मैंगो से यहाँ पर दिखा दूँ आपको, देखिए यहाँ पर भी कितना अच्छा बोर आया है और यहाँ पर नए नए पत्ते भी निकल रहे हैं। अब इसका दिखा दूँ आपको कि इसका डंठल कितना मोटा है, ये देखिए इसका तरह कितना मोटा है। तो इस इतने मोटे पौधे से हम फल लेंगे। अब जो बात आई है कि फल कब तोड़ देना चाहिए, जो छोटे पौधे दिखाएं कि उनकी कब इसकी जो फूल है वो तोड़ देना चाहिए इस साल, तो मैं आपको बताता हूँ कि जब तक ये, जैसे ये बनाना मैंगो है तो इसका फूल तोड़ूंगा, मगर अभी नहीं तोड़ना है, ये भी बता दूँ, जब तक ये फूल खिल ना जाए और खिलने के बाद जब इसके अंदर छोटी छोटी सी अमियां बनने लगें, तब इसको आपको यहाँ से, देखिए जहाँ से इशारा कर रहा हूँ, यहाँ से काटना है, इस जगह से काट के हटा देना, जड़ से इसको यहाँ से काट के हटा देना है, बिल्कुल फूल नहीं रखना है, मगर अभी नहीं हटाना है, नहीं तो आपका पौधा जो डोरमेंसी पीरियड में जा सकता है। हाँ, अब रही बात कि अब जिन पौधों में हमको फ्रूटिंग लेनी, जैसे ये मेरा एक पौधा है मैंगो का, इससे ज़रूर मैं इस साल कोशिश करूँगा फ्रूट लेने की। और ये जो पौधा है बहुत सुंदर फ्लावरिंग, बहुत अच्छा, और इस पौधे का जो नाम है वो है काटिमोन। ये मिठास में इसके टक्कर का कोई पौधा नहीं है, बहुत मीठा, विदेशी में सबसे मीठा आम होता है, और ये साल में तीन बार फल देता है। इसका जरा तना देखिए कितना मोटा है। अब इसके बाद में आम के पौधे पर जिसमें आपको फ्लावरिंग लेनी है, फ्रूटिंग लेनी है, तो इस बात का ध्यान रखें, जिस तरह से इसमें देखिए नमी मैंने बनाकर रखी, आम के पौधे में अगर आप पानी कम कर देंगे तो भी दिक्कत है, और पानी ज़्यादा कर देंगे तो पौधा गोंद छोड़ देगा, पौधा जगह जगह से गोंद छोड़ने लगेगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आम के पौधे में अगर फ्लावरिंग होने लगे, इस तरह से फ्लावरिंग हो रही है, तो आपको किसी भी कीमत पर पानी कम नहीं रखना है। नींबू के पौधे की तरह इसके साथ व्यवहार नहीं करना है, क्योंकि नींबू के पौधे में पानी कम दिया जाता है, पर आम के पौधे पर पूरी नमी बना कर रखी जाती है, और इतना पानी भी नहीं दे देना चाहिए कि पौधे में गोंद निकलने लगे, तो बैलेंस पानी देना है। आप चेक कर लीजिए खोद के अच्छी तरह से, अगर पानी ज़्यादा नहीं है तो आप पानी दीजिए। देखिए मेरे जितने भी आम के पौधे यहाँ पर, देखिए ये जितने आम, सब में देख लीजिए, सब में नमी होगी, मैं बराबर इस तरह से इनमें नमी बनाकर, सारे आम के पौधों में देखिए नमी बनाकर रखता हूँ, और इसमें जब नमी कम हो जाए तो आप पानी इसमें दीजिए, और समय समय पर इस पर, इसकी मिट्टी में सी वीड दानेदार, और फ्लावरिंग चल रही है तो इसलिए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी ना हो पाए, तो सी वीड का लिक्विड वाला जो है 1 लीटर पानी में 5 ml लेकर 10 दिन में एक बार इसकी मिट्टी में जरूर दें, और इस समय पर फंगस लगने के भी चांस ज़्यादा हैं, तो मिट्टी में भी फंगिसाइड आप प्रयोग कर सकते हैं, ट्राइकोडर्मा फंगिसाइड ऑर्गेनिक रूप में है, और अगर केमिकल में जाना चाहें, कभी कभी मजबूरी आ जाती है कि पौधा अगर कहीं ज़्यादा दिक्कत में आ जाता है ज़्यादा, तब आप उसके ऊपर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का भी मिट्टी के अंदर दे सकते हैं, स्प्रे भी कर सकते हैं। पर इस पोजीशन पे आम के पौधे पर एक सावधानी आपको और रखनी है, किसी भी कीमत में कीटनाशक का स्प्रे मत कर देना। अगर आपने इस पोजीशन पे कीटनाशक का स्प्रे कर दिया तो आपके आम के पौधे पर तितलियाँ मधुमक्खियाँ नहीं आएंगी, पॉलिनेशन नहीं होगा। तो जिन आम के पौधों में आप फ्रूटिंग लेना चाहते हैं, फल फूल में से फल लेना चाहते हैं, वो किसी कीमत में भी फल में कन्वर्ट नहीं होंगे, तो इस बात का ध्यान रखना है। अब जब इस तरह से फ्रूटिंग चालू है, फ्लावरिंग चालू है, तो आपको कीटनाशक का किसी भी तरह से स्प्रे नहीं करना, इस बात का आपको बहुत सावधानी रखना है। केवल आप इसके ऊपर इस समय फंगिसाइड का स्प्रे कर सकते हैं, वो भी शाम के समय, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आप कोई भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ले सकते हैं, बस माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में भी आपको ध्यान रखना है, अच्छी कंपनी का माइक्रोन्यूट्रिएंट्स लेना है, फिर आप रिजल्ट देख के बताइएगा। और आपको मैंने बता दिया कि नमी इस समय आप कम मत कर दीजिएगा आम के पौधे पर, अगर नमी कम कर देंगे, और इतना पानी भी नहीं देना है कि पौधा गोंद छोड़ दे। तो अगर यह जानकारी आम के पौधे में आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।